आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ऑलरेडी CSE ID है, लेकिन बाकी सारे लोग भी CSE ID लेकर पैसे कमाना चाहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसी सर्विस के बारे में जो कि CSE से ज़्यादा आपको सर्विस देता है, साथ ही आपको वहां पर ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CSE की। जिनके पास CSE होता है वो बिना इन्वेस्टमेंट के CSE सेंटर नहीं ओपन कर सकते। आपको यहाँ पर मिनिमम तो 60-70 हज़ार 1 लाख के अंदर आपको यहाँ पर खर्चा होता है ही, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे अपना सिस्टम परचेज करना होता है, आप एक फर्नीचर बनाएंगे, एक सेटअप करेंगे, एक रूम को सेटिंग करने में आपको कम से कम 70-80-90 1 लाख के अंदर ही आपका खर्चा हो जाएगा। लेकिन मैं जिस सर्विस की बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपको 500 से 1000 रुपये का खर्चा करना है, 1000 भी नहीं 500 मान लीजिए, 500 खर्चा करके आप महीने में 30 हज़ार कमा सकते हैं। लेकिन CSE में अगर आप सभी सर्विस को यूज करेंगे, सभी सर्विस को स्मार्टली यूज करेंगे, तभी जाके वहाँ पर 30 से 50 हज़ार तक कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है, बस एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना है, बस आपको वहाँ पर काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आप घर बैठे बैठे भी बिना कोई काम किए भी ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा। ऐसा कोई चेन सिस्टम वाला नहीं है कि किसी को ये करो वो करो, ऐसा नहीं है। पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस बताऊँगा कैसे करना है, क्या करना है, आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि CSE से ज़्यादा आप यहाँ पर पैसे कमा पाएंगे। CSE में जितना भी सर्विस होता है सभी सर्विस यूज नहीं होता, मोस्ट ऑफ द सर्विस जो है हम यूज ही नहीं करते। पैन कार्ड, PMG दिशा, आपका इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, ये सभी चीज़ें आप यूज करते हैं। लेकिन बड़ी सर्विस को काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, कंप्यूटर सेटअप वगैरह काफ़ी सारा लगता है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा वेबसाइट में जाना है, क्या करना है और कैसे आप CSE से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन में आ चुका है, हमारा ही वेबसाइट है NSDLPanAgent.com। यहाँ पर आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। आप यहाँ पर इससे पहले भी कई वेबसाइट में जुड़ चुके होंगे, लेकिन वो आपको ये तरीका नहीं बताएंगे। मैं जो बताऊँगा ये तरीका अगर आप सुनेंगे और यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने हाल ही में ही लास्ट जो महीना था वो 25,000 से लेकर 30,000 तक वो कमाए हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं किए, वो अपना खुद का भी काम करते हैं, एक जगह जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब, फिर भी यहाँ से 25 से 30 हज़ार कमाए। तो आप भी चाहते हैं पैसे कमाना तो आराम से कमा सकते हैं। मैं सिंपल प्रोसेस बताऊँगा आपको, सिंपल तरीके से बताऊँगा कैसे करना है। देखिए, एक पैन कार्ड का पोर्टल है, यहाँ पर आपको 30 मिनट के अंदर पैन कार्ड बन जाता है। आप बोलेंगे कि NSDL वेबसाइट में तो हम बना सकते हैं 30 मिनट के अंदर, लेकिन वहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है तो बायोमेट्रिक के थ्रू बना सकते हैं, साथ ही करेक्शन भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल में जो आएगा पैन कार्ड 30 मिनट के अंदर आ जाएगा, 1 घंटे की मान लीजिए, और घर में आ जाएगा 7 से 8 दिन के अंदर फिजिकल पैन कार्ड। तो उसके लिए आपको ID बनाना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको बताया था, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है। रिटेलर ID 250 प्राइस है, लेकिन ये ID वो लोग चला सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी कंप्यूटर शॉप है। जो लोग पैन कार्ड बनाते हैं वो ये ID लेंगे, रिटेलर ID, क्योंकि उनको ज़्यादा काम नहीं है, बस वो पैन कार्ड बनाएंगे, 100-150 रुपये एक्स्ट्रा आप कस्टमर से लेंगे और आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो 450-450 आपका भले ही यहाँ पर प्राइस है, लेकिन अपने नीचे एक ID बनाएंगे रिटेलर का तो 300 रुपये आप कमीशन ले सकते हैं। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो 750 आपको पड़ेगा, लेकिन अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों बना सकते हैं अनलिमिटेड। ऐसा कोई नहीं है सिस्टम कि आप अपने नीचे इतना तक बना सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड जितना चाहे उतना डिस्ट्रीब्यूटर, जितना चाहे उतना रिटेलर बना सकते हैं। एक रिटेलर का 300 रुपया और एक डिस्ट्रीब्यूटर का 500 रुपया आप ले सकते हैं अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो। और यहाँ पर आपको पैन कार्ड का भी कमीशन मिलेगा, अपना नीचे वाला ID काम करेगा तो पैन कार्ड में भी आपको वहां पर बेनिफिट होगा, पर पैन कार्ड आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, मेरे हिसाब से लेना है। और काम कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आप बोलेंगे कि मेरे पास तो कोई एडवर्टाइजर है नहीं, अगर मैं प्रमोशन करने बैठूंगा तो कोई यूट्यूबर 5 से 7 हज़ार का चार्ज करेगा। बट बिना प्रमोशन करे भी आप यहां पर काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे पूरा गाइड करूंगा। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको एक रजिस्टर का बटन मिलेगा, बस आपको यहां पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ID बनाना होगा। ID बनाने के लिए आप यहां पर अपना फुल नेम डालना है, एड्रेस यहां पर डालना है, पिन कोड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस को यहां पर लिखना है, स्टेट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंपनी नेम या फिर दुकान का नेम या फिर खुद का नेम यहां पर डालेंगे, इसके बाद आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर आप यहां पर लिखेंगे, इसके बाद अकाउंट टाइप में यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर चॉइस करेंगे, जैसे कि मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, बस पासवर्ड की जगह अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और पे एंड रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपके सामने अकाउंट एक्टिवेशन का पेज आ जाएगा, अभी आपको यहाँ पर बस पेमेंट में क्लिक करना है।
अभी आपके सामने एक QR कोड आएगा। इस QR कोड को आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर देखेंगे ऑथराइज्ड पैन कार्ड सेंटर, यानी कि आप जो पेमेंट करेंगे सीधा ही पैन कार्ड सेंटर में पहुँच जाएगा। तो पेमेंट आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि फ़ोनपे में तुरंत नहीं होता, गूगल पे और पेटीएम में अगर आप करेंगे तो तुरंत ही विदिन 1 सेकेंड आपका पेमेंट कम्प्लीट हो जाएगा और आपका ID ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको ID एक्टिव करते बाद कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर, इसमें कॉल या फिर व्हाट्सअप करके अपना ID को जल्दी से जल्दी एक्टिव करवा सकते हैं। पेमेंट जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ID ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर ID में क्या होता है, अपने नीचे आप रिटेलर ID बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, यूजर मैनेज में आएंगे, इसके बाद क्रिएट यूजर में क्लिक करेंगे और जिसका ID बनाना चाहते हैं एज ए रिटेलर उसका डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे अकाउंट टाइप में रिटेलर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन होता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। पेन रेट क्या होता है, यानी कि जो बंदा आप जिसको ID बना रहे हो उसका कितना कटना चाहिए पैसा। जैसे कि मैं यहाँ पर 107 लिखा हूँ तो आप यहाँ पर 107 लिखिए, ताकि वो जब भी पैन कार्ड बनाएगा तो 107 रुपया कटेगा और आपको बाकी का रेस्ट अमाउंट मिलेगा। इसके बाद ये क्या है, ये NSDL ID रेट है। जब आपका ID एक्टिवेशन करने पर 100 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये कटता है तो रिटेलर का 100 रुपये कटेगा, तो आपको 30 रुपये आपके सडन वॉलेट में आ जाएगा। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर यूज़र मैनेज में आके लिस्ट में देखेंगे कि आपका एक्टिव हो जाएगा, या आपका जो नीचे वाला ID वो यहाँ पर शो करेगा। उसको रिजेक्ट पासवर्ड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID बनाना है अपने नीचे तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से यू क्रिएट यूजर में क्लिक करेंगे। ठीक वैसे ही आपको सेम फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद अकाउंट टाइप में बस डिस्ट्रीब्यूटर लिख देना है और यहाँ पर थोड़ा सा कम लिख देना है, 105 कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर 90 कर देना है, ताकि आपको यहाँ पर भी 20 रुपये मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 3-4 रुपये मिलेगा, हर बार मिलेगा ये। तो आपको ये काम करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे वाला जो नंबर है उसमें आप सुबह 9 से आप शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप आप 24 आवर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको सीरियसली काम करना है तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं और पैसा अच्छे से कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। जिसको साइड बिजनेस की ज़रूरत है उसको आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।